कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है। यह हमारा एक प्रयास है ऐसी रचनाओं को आवाज देकर आप तक पहुंचाने का। हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कथा कहानी काव्य। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी निर्मला का 12वां भाग। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही एक झपट हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और वह बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं है, निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था, अब कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहां तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते, न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह अब बिला नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दम की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते रहते हैं। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर वह झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था, उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी, आने के पौने करना न जानता था। प्राय बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तौलती, जरा भी चीज तोल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा ना देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से तो बहुत अच्छा घी कहीं दुकान देखकर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुंझलाकर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देखकर आया हूं। तो मैं झूठ कहती हूं? ये मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यहीं देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस न लूंगा। मैंने सूंघ कर देखा, चक कर देख लिया, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो कि घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न लेकर जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा, मैं नहीं लौटाता। तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा।
बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्द सौदा नहीं देता, वह किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने पाता, चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझला कर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने न जाऊंगा। मातृविहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता की याद कभी नहीं भूलती। सियाराम को इस समय माता की याद आई। अम्मा होती तो क्या मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया भी चले गए, जियाराम भी चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बच रहा? सियाराम की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे क्यों भूल गई, क्यों मुझे नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक यहीं बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने को देर हो जाएगी। एक दिन देर ही हो जाएगी तो कौन हरज है, यह भी तो घर ही का काम है, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा दो चार बार लौटाए नहीं लिए जाता, डांट तो मुझ पर ही पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे ही होना पड़ता है, आपको क्या? हां मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी, अपना होता तब तो उसे दुख होता, मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूं कि तुम पढ़ लिख ना सको, मुझ में ही तो सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, विमाता का नाम ही बुरा होता है, अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाए, तुम लोगों के कारण मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र कटी जाती है, मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारी समझ में मैं बिहार कर रही हूं, तुम्हें सताने से मुझे मजा आता है, भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा, उसे ग्लानि तो नहीं आई, हां यह शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसके एक एक भाग से प्रकट हो रही थी। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान लगा सकता था कि यह अनाथ है। सियाराम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिया ने घी ना लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा, झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए, वह कहेगा, क्यों साहजी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह ना चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे, वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था हम सौदा वापस न लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़कर कहा, तुमने वो घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ रहा जनी है? साहब इससे चोखा घी बाजार में निकल आवे तो जरीबाना उठा दूं। उठा लो हांडी और दो चार दुकान देख आओ, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। साहा ने शह पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही इनको घटिया सौदा नहीं देते, खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा, घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था? बोला, वही तो कहती हैं घी अच्छा नहीं है, लौटा आओ, मैं तो कहता था घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है,
साहब, इनकी अम्मा कहती होंगी, कोई सौदा उनके मन ही नहीं भाता। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदैव नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण कर देने के लिए उसका हृदय विकल हो रहा है। तब करुण स्वर में बोला, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुआ बच्चा? सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तब तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होंगे। भगवान, तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले पड़े। धन्य हो दयानिधि। साहजी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने न देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साहजी ने रुपए न वापस किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिए से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह उसने सियाराम को दिया। सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। इन्होंने न सिफारिश की होती तो साहजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूं तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह ना करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर न जाने क्यों मन बदल लिया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदरी थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गई, उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर तो मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। वो बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बातें कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फुरित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था? तो क्या हुआ बच्चा, योग विद्या में यह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। आपका स्थान कहाँ है? बच्चा, मेरा कोई स्थान नहीं है, देश देशांतरों में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शनों से जी नहीं भरा। नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाले जाने को देर हो रही है। फिर आपके दर्शन कब होंगे? कभी आ जाऊंगा बच्चा। तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो।
घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? कल किस वक्त आइएगा? निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। इसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की? कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर तो चारों तरफ घुमाया, कोई शिकार न मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है दो एक दिन के बाद निकल भागता है। अब की ना भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हाँ यह मामला है तो अवश्य फंसेगा, लासा लगा दिया है ना, खूब अच्छी तरह। यही तरकीब सबसे अच्छी है, पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़कर पूछा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो क्या बच गए हैं? 10 कभी के बच गए। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है? कुछ दूर नहीं, दरवाजे ही पर तो है। सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। तो आप व्यर्थ की बकवाद क्यों करती हैं? लिया हुआ सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनियों से घंटों हुज्जत करनी पड़ती है। वो तो कहो एक बाबा जी ने कह सुनकर फेरवा दिया, नहीं तो किसी तरह ना फेरता। रास्ते में 1 मिनट भी कहीं नहीं रुका, सीधा चला आता हूं। घी के लिए गए गए तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए, तुम्हें इतनी देर लगाना था तो पहले ही क्यों ना कह दिया, जाते हो लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने को न संभाल सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। खाना ना खाओगे? ना खाऊंगा, मैं खाना बनाने को तैयार हूं, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकती। भूंगी को क्यों नहीं भेजती? भूंगी का लाया सौदा क्या तुमने कभी देखा नहीं है? तो मैं तो इस वक्त ना जाऊंगा, फिर मुझे दोष ना देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था, बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही ना मिलता था। स्कूल जाकर उसे झिड़कियां खाने, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता? वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छांव में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता, 3 बजे घर लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा, उस पर आते अलग जल रही थी। हाँ अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना ना बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती? मेरा कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया, घर पर मेरे लिए क्या रखा था? वह आज यहां से चला तो घर ना जाकर सीधा घी वाले शाहजी की दुकान पर गया, शायद बाबा जी से वहां मुलाकात हो जाए। पर वहां बाबा जी न थे, बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहां लगाई, सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्लाकर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूं, कुछ पानी पीने तक को नहीं लाई, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूं। आखिर रोटियां ही तो खिलाती हो या और कुछ? ऐसी रोटियां जहां मेहनत करूंगा वहीं मिल जाएंगी, जब मजूरी ही करनी है तो आपकी ना करूंगा। जाइए
मेरे लिए खाना ना बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई, लड़के को आज ये क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों त्योरियां बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूझी कि सियाराम को दो चार पैसे कुछ खाने को दे दे, उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मजूरी नहीं कहलाता। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दें मैं कचहरी नहीं जाता, तो क्या हो बताओ? नहीं जाना चाहते मत जाओ, भूंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है, नहीं तो बला से पैसे की चीज धेले की आती, तुम्हें ना भेजती। लो आज से कान पकड़ती हूं। सियाराम दिल में लज्जित तो हुआ पर बाजार न गया, उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारित जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया, सारा बाजार छान मारा लेकिन बाबा जी का कहीं पता न मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना हुआ दुकानों गलियों और मंदिरों में उस आशय को खोजता फिरता था जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया, उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और जाकर साधु के पास खड़ा हो गया, पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया, घरों के द्वार बंद होने लगे, सड़क की पटरियों पर और गलियों में बस खटे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी, लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था जहां किसी को उससे प्रेम न था, जहां वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण नहीं थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने की किसे चिंता होगी? बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी, किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर भी न देखा होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी, वही अभी तक मेरी राह देखती होंगी, जब तक मैं ना जाऊंगा भोजन ना करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चला। वह अगर और कुछ ना कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटाकर रोती तो थी, उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों का पेट भर भी नहीं भोजन मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मात्र स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहां कहां? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहां से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहां से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? हां बच्चा, अब लौट कर आऊंगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, लौट कर? जल्द ही आऊंगा बच्चा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है? इसके आगे सियाराम और कुछ ना कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुण गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी थी, जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा है तो चल, भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। साधु संतों की संगति का भी आनंद उठा। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत को दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह, उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया था। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ ना मिला? सारा दिन दौड़ते गुजरा,
पर हाथ कुछ ना लगा। फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। और पंडित वाले मुकदमे में? पंडित पर भी डिग्री हो गई। आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। कहता तो था और अब भी कहता हूं कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। और उस सिर वाले दावे में? उसमें भी हार हो गई। तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे? मुंशी जी से अब काम बिल्कुल ना हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे आते ही न थे, और जो आते भी थे वह बिगड़ जाते थे। मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को दे देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे, आज वह डॉल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है, उस पर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल। भूंगी ही से सब काम कराने का जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटे। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। तो खाना नहीं पकाया? ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती? तो बिना कुछ खाए ही चला गया। घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे न दिए दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना? मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर बाहर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। सारा दिन गुजर गया, बेचारे ने अभी तक कुछ नहीं खाया, कमरे में पड़ा होगा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं? अपना संदूकचा खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागज निकाल डाले, एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हों। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इससे पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आह्लाद हुआ उतना पहले कभी ना हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा, कोई जवाब न मिला। जब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या भी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा। मालूम हुआ कि स्कूल से लौट आए। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया, नाक सिकोड़ कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतने उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कै बज गए भूंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। कोतवाली के घंटे में तो 9 बज गए हैं और हम नहीं जानत। सिया बाबू आए? आए होंगे तो घर ही में ना होंगे? मुंशी जी ने झुंझलाकर पूछा। मैं पूछता हूं आए कि नहीं, और तू ना जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूं? मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दे, तब चलता हूं। आध घंटे तक द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वे उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फरलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं न दिखाई दिया।
वहां से फिर घर लौटे और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे, शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा। चारों तरफ घूमे, बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम ले लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज ना आई। ख्याल आया, शायद स्कूल में कोई तमाशा हो रहा हो। स्कूल एक मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे ही रास्ते से लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब की उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज ना आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बात जानती है, बता आज क्या हुआ था? बाबूजी झूठ ना बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देंगी और क्या, दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहां कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने ना गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुंह खुलावे, जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं? कह दे इस वक्त ना खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी का भी हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूं, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए, न जाने कहां घूम रहे हैं, बात तो सुनते ही नहीं। अब कब तक उनकी राह देखा करूं? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? क्या जाने, शायद 10 बजे होंगे। जी नहीं, 12 बजे हैं। 12 बज गए? इतनी देर तो कभी ना करते थे। तो अब कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था, ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। जी तुम्हें बहुत दिक करता है, क्यों? देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। शायद यह आखिरी शरारत हो। कैसी बातें मुंह से निकालते हैं, जाएंगे कहां? किसी यार दोस्त के घर पर पड़ रहे होंगे। शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। सवेरे आवे तो जरा तंबीह कीजिएगा। खूब अच्छी तरह करूंगा। चलिए खाना खा लीजिए, देर बहुत हुई। सवेरे उसके तंबीह करके खाऊंगा, कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहां मिलेगा। निर्मला ने ऐंठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? नहीं, यह कौन जानता है, तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा, बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई, सोने को भी ना कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर लिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? तीन लड़कों में केवल एक बच रहा था, वह हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवा और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी ना रहेगा। कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से यदि इस समय अश्रुधारा बह रही थी तो कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण यह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किस मुंह से पूछें?
उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों और बागीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई यह वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं, न जाने कब चल दिए। कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा। हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूं, ये तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते हुए बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूंठ रह गया है, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें अपने घर नहीं लाया था। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था, यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संखिया भेज दो, बस यही कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूं ही, आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मेरा जन्म क्यों दिया था, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम अब आवेंगे ही नहीं। मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई।